Yalan sen. आप इस बात से इनकार ही नहीं कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी का मतबादल लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर रूल नहीं हो सकता है। किसी भी कीमत पे गवर्नर रूल जो है वो डेमोक्रेसी का मतबादल नहीं हो सकता है। और ये जो 10 साल 2014 में जब हमने वोट दिया था, सैलाब की तबाहकुन सूरत हाल से जम्मू कश्मीर बाहर आया था और सियासी सैलाब आ गया। उसके बाद 2014 के बाद 2024 10 साल गुजर गए और इन 10 सालों में जब आपने डेमोक्रेसी को नहीं देखा, आपका मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, आपका अपर हाउस में नुमाइंदा नहीं है, लोअर हाउस में आपका नुमाइंदा नहीं है और बदकस्मत जो लोग पार्लियामेंट गए उन्हें वहाँ बात नहीं की, जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं की। देखिए आप पानी बिजली सड़क के मसाइल ठीक हैं, लेकिन जब आपको बोलने का वक्त था पार्लियामेंट में आपने जम्मू कश्मीर की एडवोकेसी नहीं की। आपके पास शायद वो तजुर्बा नहीं था और हम पिट गए। और यकीनन जो हमारी बात मनवानी चाहिए थी, मुझे याद है कि जिस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब को पार्लियामेंट होना चाहिए था वो घर में थे, जिस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब को एहतजाज में होना चाहिए था पुरमन तरीके से वो घर में मौजूद थे। जिस तरह से बाद में पीएचडी को तोड़कर एक ऐसा माहौल बनाया गया था कि गालिबन नई दिल्ली के पास ऑप्शन ही नहीं था, हालांकि परिसीमन हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रोल रिविजन हुआ वार्ड्स का, उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद इलाके कट गए जुड़ गए। पार्लियामेंट चुनाव के फौरन बाद हम असेंबली चुनाव में आज जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज जम्मू कश्मीर के अवाम की जीत है, जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी की जीत है। जिस तरह से लोगों को जम्हूरियत से दूर रखा गया, कहते हैं कि गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड द पीपल, और ये 10 साल जिस इंतजार में हमारे कट गए ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, आप भले ही G20 और स्मार्ट सिटी का कोई कंसेप्ट लाए हों, लेकिन कितना अच्छा होता कि इसको जम्मू कश्मीर का अवामी नुमाइंदा बनाता और बिल्कुल अच्छा लगता, क्योंकि कहते हैं कि जो कम्बिनेशन पब्लिक का और वोटर्स का और लीडर्स का होता है, इसी से शहरी और ग्रामीण इलाकों की तरक्कियाँ होती है।